खाली 1200 रुपये का डिफरेंस दिया गया है। पहले एसी से लाइट आती थी डुक 250 ओल्ड मॉडल में, भी एसी लाइट आती है, ओल्ड में कुछ ऐसी सीट आने की। तो वेलकम बैक टू द गाइस राइड करियर में आपका स्वागत। सो गाइस आज एक फिर मैं आ चुका हूँ अवश्य केटीएम शोरूम में, जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस अगर आपने मेरा लॉन्चर वीडियो नहीं देखा 250 का और 390 का, तो जाकर जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। दोनों लॉन्च का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस आज हम देखने वाले 250 जो न्यूली लॉन्च हुई है, अगर इसका लॉन्च का नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये है ड्यूक 250 जो न्यूली लॉन्च हुई है। तो गाइस चलो इसका देखते हैं रिव्यू कि क्या क्या इसमें नए चेंजेस आए। तो गाइस सबसे पहले हम सामने की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे DRS दिए गए, स्प्लिट यहाँ पे ये DRS दिए गए, जैसे कि मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे DRS ऑन होते हैं, साइड के जो DRS थे वो निकाल दिए गए। 390 में भी साइड में DRS दिए गए, यहाँ पे नहीं दिए गए। और गाइस जैसे हम नीचे आते हैं तो 45 mm के WPFX सस्पेंशन दिए गए, जो काफ़ी अच्छी बात है, पर एडजस्टेबल नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे बाइब्रे के ब्रेक्स दिए गए, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं बाइब्रे। और यहाँ पे 320 mm का हबलेस डिस्क दिया गया है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी इसमें इसका डिस्क हबलेट जीतने के कारण कि ये फटाफट जो डिस्क है वो ठंडी हो जाए, इसको प्रोवाइड किया गया है। और जैसे हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर की ओर हैंडल बार की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी टॉगल बटन दिए गए, काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे हम यहाँ पे क्लच की तरफ आते हैं तो कोई भी एडजस्टेबल क्लच नहीं दिया गया है, सिंपल क्लच दिया गया है। और हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे स्टार्टर बटन दिया गया है, प्लस इंजन किल स्विच दिया गया है, जो काफ़ी डिजाइन अलग कर दी गई है। तो अब जैसे हम मीटर की तरफ आते हैं, मैं कौन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लाइट आती है, जो काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इंडिकेटर के दिए गए हैं, और यहाँ पे हैजा सिस्टम दिया गया है, अभी आपको कोई भी हैजा सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हॉर्न दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो LCD डिस्प्ले दी गई है, इसमें काफ़ी सारे मोड्स भी दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इंडिकेशन दिए गए हैं, यहाँ पे न्यूट्रल बताया गया है, यहाँ पे RPM मीटर बताया गया है, लो फ्यूल लेवल बताया गया है, हीटिंग बताया गया है, ABS ऑन ऑफ है वो बताया गया है, इसी के हम यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल रोड मोड पे है, और यहाँ पे सुपर मोटो मोड दिया गया है। सुपर मोटो मोड में क्या होता है कि पीछे का ABS ऑफ हो जाता है, और रोड मोड पे दोनों ABS वर्क करते हैं। तो यहाँ पे और भी सारे मोड दिए गए, बाइक इन्फो दिए गए, ट्रिप ट्रिप दिया गया, नेविगेशन दिया गया, नेविगेशन में आप फ़ोन कनेक्ट करके इसे नेविगेशन कर सकते हो, प्लस इससे आप अपना म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, प्ले प्लस बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो गाइस ये था LCD डिस्प्ले, जो काफ़ी अच्छा पहरा है। और यहाँ पे स्टार्टर बटन दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा पहरा है, इसमें भी लाइट प्रोवाइड की गई है। और जो गाइस जैसे हम टैंक की तरफ आते हैं, तो टैंक गाइस 15 लीटर का टैंक दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी बड़ी कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको लॉन्ग राइड्स पे काफ़ी इजी हो, बार बार आपको फ्यूल ना भरना पड़े। जैसे हम काउ की तरफ आते हैं, इसी के देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी 250 की ग्राफिक दी गई है। सो गाइस ये जो काउल है वो 1290 से इंस्पायर हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी ग्राफिक दी गई है, इस साइड में भी काफ़ी अच्छी ग्राफिक दी गई है। और जैसे हम गाइस इंजन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो LC4C का मतलब है लिक्विड कूल फोर स्ट्रोक इंजन। और यहाँ पे 249.07 इंजन दिया गया है, पहले जो इंजन 248.8 CC का आता था, और काफ़ी अच्छी पावर भी बढ़ा दी गई है। जो पहले का जो पावर अच्छी थी वो 30 जो इसकी पावर थी, और जो टॉर्क था वो 24 Nm का टॉर्क था। अभी जो न्यू लेटेस्ट में पावर दी गई है वो 31 की पावर दी गई है, और 25 Nm का टॉर्क दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और वेट में भी थोड़ा डिफरेंस दिया गया है, पहले जो वेट था वो 168 kg था, और अभी का जो वेट है 162 kg है, 6 kg का फर्क पड़ा है दोस्तों। और जैसे हम नीचे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एक अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है, आप देख सकते हो। और काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में दिया गया है, ऐसे नहीं कि कुछ ऐसा बड़ा सा बाहर निकल जाए, काफ़ी मस्त अच्छा लगा। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ऑफसेट सस्पेंशन दिए गए, जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है WPFX के, जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे बहाना सिंगम प्रोवाइड किया गया है, जो भी काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है। ये बहाना सिंगम की वजह से हाइट इसकी जो है कम हो चुकी है, जो हाइट दोस्तों उसकी वजह से हाइट कम हो चुकी है, जो शॉर्ट राइडर उनको काफ़ी ईजी पड़ेगा हैंडलिंग के लिए। और जैसे कि हम पीछे आते हैं, तो यहाँ पे भी 240 mm का डिस्क दी गई है विथ ABS। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ड्रम था वो निकाल दिया गया है, और इसमें ड्रम आता है। और जैसे कि हम साइलेंसर के यहाँ पे नीचे आते हैं, तो देख सकते हो कि ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, जैसे कि नीचे टच ना हो, मुझे तो नहीं लगता टच होगा। तो गाइस जैसे हम थोड़ा ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो फ्रेम दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा है, पहले स्प्लिट चेसे आने की, स्प्लिट चेसे मतलब यहाँ से अलग और यहाँ से अलग, उस टाइप की चीज़ें अभी एल्यूमिनियम का चेसे दी गई, जो काफ़ी अच्छी बात है।
आप देख सकते हो, और इससे काफ़ी वेट में डिफरेंस पड़ा है जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा। और गाइस सीट दी गई, सीट जो काफ़ी अच्छी है, 390 में सीट गाइस, ये ऑरेंज कलर की सीट थी, यहाँ पर फुल ब्लैक दिया तो काफ़ी अच्छा लुक इनहेंस हो रहा है। और जैसे ही गाइस हम यहाँ पे कूलेंट की तरफ आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले कूलेंट यहाँ पे आता था, जो उसका कूलेंट का जो कैन था, अभी यहाँ पे कर दिया गया और काफ़ी अच्छे से ऊपर कवर लगा दिया, जिससे कि काफ़ी लुक इनहेंस करता है। जैसे ही गाइस हम पीछे आते हैं इसके टेललाइट के पास, तो टेललाइट में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा टेललाइट दिया गया, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप टेललाइट ऑन करोगे तो इस तरह का लुक आता है, जो काफ़ी लुक इनहेंस करता है। और जैसे गाइस मैं इसको बंद करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे जो टायर हगर था वो निकाल के ऐसे फिंग्स दिए गए, जिससे कि कोई भी अपना जो पिलियन बैठे उसके ऊपर कोई भी चिक्कल विकल ना उड़े, या अगर आप भी बैठते हो तो अगर जितनी भी पहले ओल्ड की डुक्स थी उसमें सब चिक्कल उठता था पीछे से, तो काफ़ी इम्बेरेसिंग रखता था। सो गाइस अभी हम इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे, तो सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेंगे। गाड़ी ऑन हो रही है, सुना होगा काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट था गाइस, एकदम सिंपल था, इससे हमें ओल्ड डुक की याद आती है एग्जॉस्ट सुन के। आपको आती तो पता नहीं दोस्तों, मुझे तो आती है। तो गाइस ये सब सारी चीज़ें थी गाइस इसमें, प्लस आपको कॉर्नरिंग एबीएस भी दिया गया है जो काफ़ी अच्छी बात है, सुपर मोटो मोड भी दिया गया है, क्विक शूटर प्लस भी दिया गया है, और गाइस इसमें स्लीपर क्लच भी दिया गया है। तो इतने सारे फीचर इसमें प्रोवाइड किए गए, और प्लस गाइस खाली ओल्ड डुक और रिच डुक की प्राइस अगर हम अगर कंपेरिजन करेंगे तो खाली 1000 से 1200 का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं पड़ता गाइस। तो अगर 1000 से 1200 में आपको इतने सारे मोड्स मिलते हैं, इतने सारे फीचर्स मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। KTM ने काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। तो गाइस इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 282,000 है इन वर्से, अभी फिलहाल मैं वसई KTM शोरूम में हूँ, तो इसकी प्राइस है 282,000 है। आपके स्टेट के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से आप गूगल कर सकते हो कि आपके यहाँ पे प्राइस क्या है फिलहाल। तो गाइस अगर आपको चेक करना तो वहाँ पे आप प्राइस भी चेक कर सकते हो। और वैसे गाइस हमने 390 का रिव्यू भी किया गया, वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आपने नहीं लिखा होगा तो। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।